तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम मास्टर कैम में डायनेमिक रेस्ट मिल कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसी प्रोडक्ट पे हम डायनेमिक रेस्ट मिल कमांड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि डायनेमिक रेस्ट मिल कमांड क्या होती है। तो इससे पहले हमने जो कमांड पढ़ी थी वो थी एरिया मिल कमांड। एरिया मिल कमांड का यूज़ जब हम करते थे तब हमारे जो कॉर्नर्स थे वो शार्प करने के लिए हमें रेस्ट मिल कमांड का यूज़ करना पड़ता था। तो वो जो हमने एरिया मिल कमांड और रेस्ट मिल कमांड यूज़ की थी, उन्हीं दोनों को मिक्स करके इन्होंने एक और कमांड यहाँ पे बनाई है जो कि है डायनेमिक रेस्ट मिल कमांड। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने मशीन टाइप में चले जाना है, मिलिंग पे चले जाना और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अपने मशीन को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे स्टॉक सेटअप वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपसे वो मार्जिन ऐड करने के लिए कहेगा एक्स वाई जेड पोजीशन में। तो अगर आप अपने स्टॉक में मार्जिन ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर सकते हो, नहीं तो आप जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल है उतनी ही रहने दोगे। यहाँ पे टिक के बटन पे सीधा ही क्लिक कर लोगे। तो इसके बाद आपने सीधा यहाँ पे टूल पाथ में चले जाना है और यहाँ पे 2D हाई स्पीड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपसे वो कोई भी एक नाम रखने को कहेगा, तो आपने यहाँ पे कोई भी टूल पाथ का नाम रख लेना है। तो रखने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे वो कंटूर सेलेक्ट करने को कहेगा, तो यहाँ पे मैंने चेन सिलेक्शन करके कंटूर 1 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अंदर वाले जो कंटूर है उसे भी सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने यहाँ पे 2 कंटूर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लिया। तो जैसे मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने टूल टाइप में डायनेमिक रेस्ट मिल कमांड सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको राइट साइड पे चेंज ज्योमेट्री टूल्स शो हो रही होगी जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि है टूल्स का। तो यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू टूल पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एंड मिल टूल है वो सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टूल्स के पैरामीटर फिल करने होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पैरामीटर्स फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर 2 mm फिल किया है। तो इसके बाद आपने फ्लूड लेंथ, शोल्डर और ओवरऑल लेंथ फिल करके आपने टिक के बटन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जैसे आप टिक के बटन पर क्लिक करोगे आपका जो टूल है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि होल्डर्स का। तो यहाँ पे आपने ओपन लाइब्रेरी पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होल्डर्स मिल जाएंगे। तो आपने यहाँ पे कोई भी एक होल्डर सेलेक्ट करके यहाँ पे टिक के बटन पर क्लिक कर देना और आपका जो होल्डर है वहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे कट पैरामीटर्स में आ जाना है। तो कट पैरामीटर्स में आपको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जो चीज आपको चेंज करने की जरूरत है वो है स्टॉक टू लीव ऑन वॉल्स और स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर्स। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट में फिनिशिंग बाद में देना चाहते हो तो आपको कुछ स्टॉक यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो जितना स्टॉक आप यहाँ पे छोड़ना चाहते हो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पे अभी मैंने कोई भी स्टॉक नहीं छोड़ना क्योंकि मेरे प्रोडक्ट पे कोई भी फिनिशिंग नहीं होनी। तो यहाँ पे मैं 0-0 वैल्यू फिल कर दूंगा और नेक्स्ट टाइम में आ जाऊंगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना है जो कि रेस्ट मटेरियल का। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये मास्टर कैम ने डिफॉल्ट वैल्यूज उठाई हुई हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं करना और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि डेप्थ ऑफ कट का। तो यहाँ पे आपने डेप्थ ऑफ कट की जो ऑप्शन है वो उसे यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपसे वो मैक्सिमम रफ स्टेप मांग रहा है। तो डेप्थ ऑफ कट मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है कि कितने mm हमारा टूल कटिंग करने के बाद कितनी mm डेप्थ में मूव करे वो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम रफ वैल्यू यहाँ पे 2 mm फिल की है और इसी तरह मैंने फिनिशिंग स्टेप जो है यहाँ पे 1 mm फिल किया है। इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आ जाना जो कि एंट्री मेथड का। तो एंट्री मेथड में आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो आपने कोई भी यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने हेलिक्स ओनली ही सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट स्टेप में आ गया हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे यहाँ पे ब्रेक थ्रू का। तो ब्रेक थ्रू की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा टूल मटेरियल के आर पार होना हो। तो यहाँ पे मेरा टूल जो है मटेरियल के आर पार नहीं हो रहा तो ये जो स्टेप है यहाँ पे स्किप हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा लिंकेज पैरामीटर्स का। तो चलिए मैं जल्दी से लिंकेज पैरामीटर्स पर क्लिक कर लेता हूँ। तो लिंकेज पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे नीचे डेप्थ की ऑप्शन दिख रही होगी। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल डेप्थ फिल करनी होती है जितनी हमारी कटिंग होनी है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट में जितनी ओवरऑल कटिंग होनी है वो है हमारी 10 mm। तो यहाँ पे जो 10 mm है वो हमें फिल करना होगा, वो भी माइनस में फिल करना होगा क्योंकि हमारी जो डेप्थ है वो माइनस में है। तो यहाँ पे मैं डेप्थ में फिल करूँगा -10 mm। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। तो फिल करने के बाद आपने सीधा यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपका जो टूल पाथ है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो टूल पाथ है यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे टूल पाथ को रन करके देख लेना है। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्ले के बटन की ऑप्शन मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे प्ले के बटन पे क्लिक कर लेना है।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो टूल है वो रन करना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको फास्ट एंड स्लो की ऑप्शन भी दी गई है। तो यहाँ ये जो बटन है इससे आप अपने जो टूल की मूवमेंट है इसे ट्रैक कर सकते हो, इसे फास्ट या स्लो में देख सकते हो। तो अगर आप अपने नंबर ऑफ़ मूव्स को बढ़ाना चाहते हो ताकि आपका जो कटिंग है वो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ मूव्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ये जो नंबर ऑफ़ मूव्स आप यहाँ पे बढ़ाओगे वो सिर्फ यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए ही बढ़ेंगे, जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसमें ये मूव्स नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अपने नंबर ऑफ़ मूव्स यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको उतने नंबर ऑफ़ मूव्स यहाँ पे फिल करने होंगे। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ मूव्स रिफ्रेश पे भी उतने नंबर ऑफ़ मूव्स यहाँ पे फिल कर लेने हैं, और यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके जो नंबर ऑफ़ मूव्स है वो बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए हमारी जो कटिंग है यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं टिक के बटन पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो अब हमने टूल पाथ में से प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करना है। तो प्रोग्राम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे G1 के बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि है पोस्ट सिलेक्टेड ऑपरेशन का बटन है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने NC फाइल और यहाँ पे एडिट की बटन पे टिक करके यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे वो डेस्टिनेशन पूछेगा सेव होने के लिए। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे अपना प्रोग्राम सेव करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं जो फाइल नेम है वो यहाँ पे फिल कर लूँगा। यहाँ पे फाइल नेम फिल करने के बाद सीधा टिक के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे मैं टिक के बटन पे क्लिक करूँगा मेरा जो प्रोग्राम है वो सेव होना शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम के सेव होते ही प्रोग्राम खुल के आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से आपको नंबर ऑफ लाइंस दिखा देता हूँ जितने इस प्रोग्राम ने जनरेट किए इस प्रोग्राम से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 5184 जो लाइंस है इस मास्टरकैम सॉफ्टवेयर ने जनरेट किए हैं। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को इस तरह से सिलेक्ट भी कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक कर लेना, यहाँ पे आपको कॉपी की ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हो और यहाँ पे इसे सेव करना चाहते हो आप यहाँ पे इसे सेव भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।